नमस्ते, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं दिल ललन टॉप। फिल्म परदेश के आखिर का वो गाना याद है आपको, नहीं होना था नहीं होना था लेकिन हो गया। कव्वाल बैठे हुए थे, फतेहपुर सीकरी का सेट था, शाहरुख खान और महिमा चौधरी इधर उधर दौड़ रहे थे। गाने में कवि कह रहा था कि दोनों में प्यार नहीं होना था लेकिन हो गया। डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग उन, इन दोनों की मुलाकात निपट गई है। इनकी तस्वीरें देखकर सबसे पहले हमें यही गाना याद आया। पिछले कुछ वक्त से दुनिया भर की मीडिया इस एक ग्राउंड पर साथ खड़ी थी, जब से किम जोंग उन और साउथ कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन मिले थे और ये बात हुई थी कि ट्रंप शांति का नोबल ले जाएंगे, क्योंकि वही तो हैं जिन्होंने नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम को उनकी मान से निकालने का ऐतिहासिक कारनामा कर दिखाया। इसकी हिस्ट्री जानने के लिए आपको सिर्फ एक मिनट खर्च करना पड़ेगा। कोरियन युद्ध खत्म हुआ लेकिन नॉर्थ और साउथ कोरिया दुश्मन बने रहे। नॉर्थ ने परमाणु हथियार बनाने शुरू किए, अमेरिका उसे धमकी देता रहा, उस पर प्रतिबंध लगाता रहा। जवाब में नॉर्थ कोरिया आए दिन न्यूक्लियर टेस्ट करता रहा। ये सब चल ही रहा था कि ट्रंप राष्ट्रपति बन गए, फिर धमकियाँ ट्विटर पर दी जाने लगी। ट्रंप हर दूसरे चौथे दिन नॉर्थ कोरिया को हड़काते कि अमेरिका को गुस्सा आया तो नॉर्थ कोरिया का नामोनिशान मिटा दिया जाएगा। नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन उल्टा ट्रंप को धमकी देते कि अमेरिका उनकी मिसाइलों के निशाने पर है। इस तनातनी में साउथ कोरिया और जापान की सांसें थमी हुई थी, क्योंकि भौगोलिक रूप से यही दोनों देश नॉर्थ कोरिया के सबसे नज़दीक हैं। किम के किसी भी पागलपन का सबसे पहला असर उन पर ही पड़ता और ये दोनों देश लड़ने के मूड में नहीं थे। धमकी धमकी खेलते हुए समझौते की राह बनी। हां ना के बीच सिंगापुर में किम और ट्रंप मिले और इस तरह इतिहास बना। इस मुलाकात में अमेरिका और नॉर्थ कोरिया को जो फायदे हुए वो हम आपको पॉइंट्स में बता देते हैं। नॉर्थ कोरिया को क्या फ़ायदा हुआ? पहला, अमेरिका ने ज़्यादा दिया, उत्तर कोरिया फायदे में रहा ही रहा। अमेरिका ने वादा किया कि कोरियन युद्ध अब जल्द ख़त्म हो जाएगा। वो युद्ध जो 1950 से 1953 तक चला, लड़ाई मैदान पर ख़त्म हुई मगर वैसे कभी ख़त्म नहीं हुई। दोनों तरफ से बंदूकें हमेशा तनी रहीं। तीसरा, ट्रंप ने दिल खोल कर किम की तारीफ़ की, खुद की भी की हमेशा की तरह। चौथा, अमेरिका दुनिया में नंबर वन है, नॉर्थ कोरिया छोटा सा है। किम की सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि वो कूटनीति के स्तर पर भी ट्रंप की बराबरी में थे, एकदम बराबर। आप पिछले दिनों कनाडा में हुए G7 समिट की वो तस्वीर याद कीजिए जिसमें ट्रंप बैठे थे और एंजेला मर्केल उनके सामने खड़ी थी। ट्रंप उन सभी देशों के साथ अकड़ दिखा रहे थे, यूरोप चीन सबसे भिड़े हुए थे, मानो अमेरिका को किसी की नहीं माननी है, बाकी सबको गरज हो तो अमेरिका की माने वरना अपना अपना देख ले। ऐसे में नॉर्थ कोरिया चाहे तो इस बराबरी वाले ट्रीटमेंट पर फूल कर कुप्पा हो सकता है। पांचवा, अमेरिका ने वादा किया कि वो साउथ कोरिया के साथ मिलकर नॉर्थ कोरिया के खिलाफ अपनी आक्रामकता खत्म करेगा, मतलब नो वॉर। दोनों देश नॉर्थ कोरिया को धमकाने के लिए मिलकर जो सैन्य अभ्यास करते हैं वो भी अब से नहीं होगा। अमेरिका को क्या मिला? पहला, किम जोंग उन ने वादा किया कि वो बात करना जारी रखेंगे। डिप्लोमेसी में बातचीत बड़ी चीज़ होती है, चाहे कुछ हो ना हो अलग बात है, बात होती रहे तो आस बंधी रहती है कि चलो कुछ तो हो ही रहा है। दूसरा, नॉर्थ कोरिया ने वादा किया कि वो अपने परमाणु हथियारों का जखीरा धीरे धीरे कई चरणों में ख़त्म कर देगा। तीसरा, अमेरिका को चैन भी मिला कि हाल फिलहाल नॉर्थ कोरिया से किसी न्यूक्लियर टेस्ट या मिसाइल लॉन्चिंग की खबर नहीं आएगी। ऐतिहासिक यही है कि शुरुआत हुई है और ले देकर इतना ही हुआ है, बुनियादी बात यही है। इसी पर दुनिया भर के अखबार पन्ने पर पन्ने खपा रहे हैं। अंग्रेजी में कहावत है ब्रेकिंग द आइस, वही हुआ इस समिट में। नॉर्थ कोरिया और अमेरिका एक साथ बैठे, बात की, कई बातों पर राजी हुए, आगे चीज़ें बेहतर हों इसका रास्ता यहीं से शुरू होना था, शुरू हो गया, अभी रास्ता चलना बाकी है। जो ऐतिहासिक है वो यही शुरुआत है। उम्मीद है कि दोनों पक्ष अपने अपने वादे पर गंभीर रहेंगे, अपना अपना वादा निभाएंगे। उम्मीद ये भी है कि ट्रंप को मूड स्विंग नहीं होगा और वो ट्विटर पर धमकियां देते नहीं मिलेंगे। उम्मीद है कि किम को समझ में आएगा कि उनके देश की, उनके लोगों की बेहतरी जंग लड़ने और परमाणु हथियार बनाने में नहीं है, ना ही अलग थलग रहकर मिस्ट्री आइलैंड बने रहने में उनका फ़ायदा है। उन्हें कारोबार चाहिए, निवेश चाहिए, उन्हें चाहिए कि उनके ऊपर लगे आर्थिक प्रतिबंध खत्म हों और इस सब के लिए उन्हें समझदारी दिखानी होगी, सहयोग करना होगा। बचा साउथ कोरिया तो वो इस त्रिकोण में वही है जो सबसे ज़्यादा शांति चाह रहा है। अब हंसने वाले कंटेंट की बारी है। इस मीटिंग के लिए व्हाइट हाउस ने एक लड़ाई की फुटेज और ड्रामे भरा एक खास ट्रेलर बनाया था, ये दिखाने के लिए कि अगर बातचीत कामयाब नहीं होती है तो जंग होगी, ये दिखाने के लिए कि नॉर्थ कोरिया अपनी ज़िद की वजह से कितना पिछड़ा और गरीब है। ये बहुत फनी है, इसे देखकर हंसी आती है कि इतनी बड़ी मीटिंग में, इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग में क्या बेतुकी और बचकानी चीज़ बनाकर दिखाई गई। इसके वॉइस ओवर में कहा जा रहा था, डेस्टिनी पिक्चर्स पेश करते हैं अवसरों की एक नई कहानी, नई कहानी, नई शुरुआत, शांति और अमन की शुरुआत, दो लोग, दो लीडर्स और एक किस्मत। ये वीडियो डेस्टिनी पिक्चर्स नाम के प्रोडक्शन हाउस ने बनाया है, लेकिन इसके दाहिने कोने पर व्हाइट हाउस गवर्नमेंट लिखा हुआ है। इसमें ट्रंप की भाषण देते और किम की हाथ हिलाते हुए कई फुटेज हैं।
मिसाइल लॉन्च का फुटेज है जो रिवर्स में है, यानी मिसाइल दग नहीं रहा है, वापस ज़मीन में लौट रहा है। ये दिखाने की कोशिश की गई कि बातचीत कामयाब रही तो नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेगा। किम जोंग उनसे सवाल था कि क्या ये नेता अपने देश को तरक्की की राह ले जाना चुनेगा। वीडियो में दिखाया गया कि अमेरिका और साउथ कोरिया कितना आगे बढ़ चुके हैं और नॉर्थ कोरिया कितना बदहाल है। ट्रंप ने पत्रकारों को ये वीडियो दिखाकर कहा, हमने बनाया है इसे, उम्मीद है कि पसंद आएगा, मुझे ये अच्छा लगा। मीटिंग के आखिर में मैंने किम को भी दिखाया, मुझे लगता है कि उन्हें भी बहुत पसंद आया। वहाँ मीटिंग में हमारे पास बड़ी स्क्रीन नहीं थी तो मैंने अपने आईपैड पर ही उन्हें दिखा दिया था। ये टिपिकल ट्रंप टाइप आत्ममुग्ध वीडियो था। ये वीडियो देखकर आपको किसी बुरी क्वालिटी वाले प्रोपोगेंडा वाले वीडियो को देखने की फीलिंग आएगी। किम अपने यहाँ ऐसे कई प्रोपोगेंडा वीडियो बनवाते हैं ताकि अपने लोगों को यकीन दिला सकें कि वो कितने ताकतवर हैं। अगर वो ना हो तो नॉर्थ कोरिया को मिनटों में तबाह कर दिया जाएगा। उसी तर्ज पर व्हाइट हाउस ने ये वीडियो बनवाया है। चंक आपने देखे ही हैं किस तरह का वीडियो बना है। तो ये है इस मीटिंग से नॉर्थ कोरिया और अमेरिका का हासिल जो हमने आपको बताया। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए द लल्लन टॉप के साथ। हमारे ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल द लल्लन टॉप सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।